चीन का नाम लिए बिना शरद पवार का बीजेपी पर निशाना, संविधान संशोधन को लेकर क्यों चेताया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। एक इफ्तार पार्टी में बोलते हुए शरद पवार ने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ लोग नियमित रूप से संविधान में बदलाव करने की बात कर रहे हैं। पवार ने चीन का नाम लिए बिना भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शांति और भाईचारे को अगर सुनिश्चित करना है तो आपको देश के संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए लोगों को खासा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शांति और भाईचारे को अगर सुनिश्चित करना है तो आपको देश के संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। चीन का नाम लिए बिना भाजपा पर तंज। शनिवार को एक इफ्तार पार्टी में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ लोग नियमित रूप से संविधान में बदलाव करने की बात कर रहे हैं। पवार ने चीन का नाम लिए बिना भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े को घेरा है। शरद पवार ने कहा, शांति और भाईचारे के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान सुरक्षित रहे। बता दें कि भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस ने हिंदुओं पर अत्याचार के लिए संविधान संशोधन किया था, जिसे अब दोबारा लिखने की जरूरत है, जिसके लिए भाजपा को 2/3 बहुमत देना होगा। बाद में भाजपा ने हेगड़े की टिप्पणी से उत्पन्न विवाद को शांत करने के लिए कदम उठाया और इसे उनकी व्यक्तिगत राय करार दिया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। विपक्ष को एकजुट रहना होगा। पवार ने आगे कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है, एक मुख्यमंत्री जेल में है और कई अन्य लोग भी ऐसे ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें एकजुट रहकर इस स्थिति का सामना करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।